नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गोविंद राज है और मैं आपके साथ वर्जीनिया अमेरिका से जुड़ रही हूँ। मेरी दो कविताएँ गर्भनाल के जुलाई 2019 अंक में प्रकाशित हुई थी और वो दोनों कविताएँ मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। पहली कविता का शीर्षक है लौटती चेतना। उड़ जाएगा पुतलियों से निशान, निराशा प्रभाव न छोड़ पाएगी, बोझल हृदय की ये स्थिति भला कब तक ठहर पाएगी। पलकों को मूंद, कल्पना सजा, हाथों में सिमटा जादू जगा, यदि पल भी बीते आशा छांव में तो यथार्थ में स्पंदन जगेगा। ही व्यथित निरुद्देश व घायल, निमग्न होना था सरल, चेतना लौटी तो भी जी अब न हो सकूंगा। दुखवाद पनपता तनाव में, दुखवाद पनपता तनाव में, तर्क संगति के समक्ष करता, अस्थाई किंतु वे मेघ श्यामल, अस्थाई किंतु वे मेघ श्यामल, खिलखिलाती धूप में, खिलखिलाती धूप में एक ही क्षण में, एक ही क्षण में। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अमानुष। सृष्टि शत्रु ये अमानुष कौन है, सृष्टि शत्रु ये अमानुष कौन है, जन्म से किसने दिया, वातावरण या परिस्थिति राक्षस बना किसने दिया, मानव प्रेम उसे मिला नहीं, आत्मबुल अंकुर फूटा नहीं, जीवन में स्नेह या स्वीकार का, जीवन में स्नेह या स्वीकार का मूल्य जाना नहीं पाया नहीं। वो अकेला अभाव में संघर्षों में घिरा चला अनुचित मार्ग पर, नैतिकता उससे उपरचित, आक्रोश दंग उभारे मुख पर, मनुज से बदलता स्वरूप ये हिंसा पथ पर अग्रसर, रक्तपूर्ण नैनों से देखता विध्वंस अग्नि में कूदने को, निश्चल कोमल बाल कंदन सुनकर जो बसीजता नहीं, निज मन की व्यथा से प्रायश्चित बोझ ढोता नहीं, यदि पात्र बनता ये आश्वासन या प्रेम का, तो संभव है मोह का स्रोत भी बनता, क्रोध को शीतल स्पर्श से शांत कर, क्रोध को शीतल स्पर्श से शांत कर परिवर्तन प्रारंभ हो, सुचेष्टा सहमानव धर्म है, पथ भ्रष्ट का वापसी प्रबंध हो, संभव तो है अनुकूल वातावरण में भी फैले आतंक, संभव तो है अनुकूल वातावरण में भी फैले आतंक, किंतु स्नेह से धैर्य से मिटा न कौन सा कलंक, मिटा न कौन सा कलंक।